आपको इस वक्त जो है ना, इस वक्त जो दौर है वो ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। देखिए, हम किसी भी एक बंदे को इसलिए अपॉइंट नहीं करते कि मैं उसको एक एप्लीकेशन दूं बनाने के लिए, वो ये कहे कि सर ये मुझे चीज नहीं आती। तो ये जो नो का लफ्ज जो है ना, वो ये बड़ा जो ये ऑकवर्ड है। यानी आपको लाजमी ये कहना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ, या मैं इसको ट्राई करूंगा, या मैं इसको सीखूंगा। तो इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, जैसे चैट जीपीटी है, एआई है, तो इस वक्त बड़ा आसान हो गया है। कि इसी को हम यहाँ पर इस कोर्स के अंदर देख रहे हैं कि भाई आपको चाहे कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आईओटी का हो, चाहे वो मशीन लर्निंग का हो, चाहे वो एआई का हो, चाहे वो हमारे पास सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन है उसका हो, आप उसके अंदर जो है नो नहीं कर सकते। बहुत चीजें आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो इस कोर्स के अंदर हम यही देखेंगे कि भाई आप जो है ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट को किस तरीके से सीख सकते हैं, उसमें चीजों को किस तरीके से हम जो बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो 2022 है, इसमें अभी मैं आपका एप्लीकेशन भी जो है ना वो बना कर सिखाऊंगा, बना सिखाऊंगा। तो उसमें आप ये देखेंगे कि चीजें जो है ना वो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें पता नहीं है कि वाकई ये चीजें जो है ना वो इतनी आसान है, उसके लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो हो सकती है। तो हमारे पास जो मोस्टली जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में चीजें यूज होती हैं, उसमें वेब एप्लीकेशन आ जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ जाती है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये तो वो आपको चीजें नजर आ रही है ना, क्योंकि आप देखते हैं। जैसे मेरे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर हम लोग जो है व्हीकल ट्रैकिंग को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम गूगल की एपीआई को यूज कर रहे हैं, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जो टेलीविजन का प्रोजेक्ट है, या फिर हम जो जूम का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके हम वीडियो स्ट्रीमिंग को यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज है। फिर इसके अंदर जो है ना, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आपसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो तमाम लोग आप निकाल के दिखाएं जो इस वक्त इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, और या फिर वो उन्होंने लास्ट टाइम कोई कोर्स अटेंड किया हो, या वो इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जो है ना वो करके दे रही होती। तो ये जो कोर्स है, अगर हम इसकी कोर्स आउटलाइन की बात करें, जो कि आप हमारी जो है ना उसमें देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो इसके अंदर सब कुछ है। यानी इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हम लोग जो है स्टार्टिंग के अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो आप देखेंगे कि हम वेब एप्लीकेशन पे स्विच कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो है जो हमारे पर डिफरेंट और चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पर जो है आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उसको भी देख रहे हैं पाइथन। और इसके अंदर जो है जो डॉट नेट के अदर प्लेटफॉर्म्स की चीजें हैं, जैसे हमारे पास ASP.NET आ जाता है, MVC आ जाता है, MVC कोर आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास स्पोर्ट्स का जो है ना वो पार्ट है। फिर इसके अंदर अगर हम इस वक्त बात करें इस चीज की के इस वक्त सिंगल पेज एप्लीकेशन या मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो किस तरीके से यूज हो रही है, तो इसमें रिएक्ट आ जाता है। तो रिएक्ट को भी हम इस कोर्स के अंदर देख रहे हैं, और उसके अंदर हम वेब सर्विसेज जो बनाएंगे, जो कि ASP.NET वेब API के थ्रू बनेंगी, उसको हम यहाँ पर यूज करके आपको दिखाएंगे। फिर इसी तरीके से इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी बहुत सारी चीजें हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके अंदर हम डेटा साइंस को यूज कर रहे हो, जिसमें AI और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो यही चीज अभी हम विजुअल स्टूडियो में भी देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो में हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है ना डेटा साइंस को यूज कर रहा है, ठीक है। यानी वो आपसे सीखता है, फिर आपको सिखा रहा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग फिर बाद में खुद से ही भी बनाएंगे कि हम किस तरीके से जो है ना डेटा साइंस को यूज कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। अब डेटा साइंस का अगर हम प्रैक्टिकल यूजेज की बात करें, क्या हमारे पास कौन कौन सी इस किस्म की एप्लीकेशन है मार्केट में जो इस वक्त चल रही है, वो AI को यूज कर रही है, तो ये होता है कि हमारे पास ना दो किस्म के जो है सिस्टम बन रहे हैं। एक तो वो सिस्टम है जिसको हम OLTP सिस्टम कहते हैं। अब वो भी ज्यादातर हमारे पास सिस्टम इस किस्म के आ गए हैं कि वो जनाब वो कहते हैं सिंगल पेज होने चाहिए आपके पास जो ना, तो उसके लिए फिर हम रिएक्ट वगैरह को यूज करते हैं चीजों। ये मेरा अपना एक सिस्टम है, उसको मैं दिखाऊं। यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट का एक सिस्टम है, तो रेस्टोरेंट में किसी भी सिस्टम के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये हाई चार्ट जो है ना वो हमने यूज, अब ये आपको ये मेन्यू आइटम कंजम्पशन को शो कर रहा है, अब ये इसके अंदर पूरा
डेट वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, इसकी जो है ना किस तरह से ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर एनालाइज करके दे रहा है। अब ये खाली जो है ना वो इस रेस्टोरेंट की नहीं है, बल्कि ओवरऑल हम इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, मार्केट ट्रेंड को देख रहे होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन को देख रहे होते हैं। तो ये एक लंबी इसके अंदर साइंस है जिसको हम यहाँ पर जो है ना वो कवर कर रहे हैं और उसके लिहाज से चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इस वक्त मार्केट इस किस्म की है कि आपको जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस वक्त नजर आएगी तो उसमें आपको सब चीजें आनी चाहिए। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीज नहीं आती, बल्कि आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी हम बात करें तो हम यहाँ जो कोर्स आपको कवर करवा रहे हैं उसके अंदर आपके पास जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो कवर कर रहे हैं इनिशियली, और उसके अंदर भी हम एआई को यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर हम चैट जीपीटी बेसिकली है क्या? चैट जीपीटी है कि वो आपको ना एआई का बेसिकली एक टूल है, जो कि आपको पहले से पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे नॉर्मल अगर हम चैट जीपीटी पे जाए तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको आंसर देता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, उसने ये कर दिया कि वो आपके ट्रेन को एनालाइज कर, यानी आपको ट्रेंड को इस तरह से एनालाइज कर रहा है कि आप कोडिंग किस तरीके से लिखते हैं, आपको कोडिंग का बिहेवियर क्या है। तो वो आगे से आगे ना आपको पहले से पहले बता रहा होता है, अच्छा आप ये लिखना चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो, वो आपको ना इसकी हेल्प दे रहा हो। अभी जैसे हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके अंदर हम यही चीज आपको दिखाएंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो किस तरीके से चीजों को इसमें चैट जीपीटी और एआई को यूज करके वो किस तरीके से आपके कोड को एफिशिएंट बना। अब इसका जो सबसे बड़ा जो है समझ लें जो फायदा है वो ये यूजेज है जो कि आपको नजर आता है, वो ये नजर आता है कि आप जो है इसके अंदर मिनिमम कोडिंग की तरफ चले जाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ, अब देखिए इस वक्त जो चैट जीपीटी या एआई का प्रैक्टिकल यूजेज देखें तो वो क्या है, यानी हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा कोड वो राइट करके देते हैं, हमें मेहनत कम से कम करनी पड़े, एक एफिशिएंट कोडिंग स्टाइल इसके अंदर वो यूज कर लो। तो ये जो चीज है ना माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर बिल्ट इन आपको दे दी, और आपको खुद ब खुद वो आगे से आगे कोड लिख के दिखाएगा, वो खुद ब खुद इसको यूज करके दिखाएगा, आपके एरर के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाएंगे। आपको अगर कोई कोड जैसे हम पहले मेमोराइज करते थे तो वो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माइक्रोसॉफ्ट ने अपने टूल के अंदर जो है ना वो बिल्ट इन, और उसको फिर हम यूज भी करेंगे और उसके क्लासेस को अप्लाई करके देखेंगे। तो ये जो कोर्स है हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मल्टीपल चीजों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, इसमें वेब भी है, जिसके अंदर आपके पास एमवीसी कोर भी है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट दे रहा होता है, और फिर उसके अंदर हम जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे एंगुलर जीएस के साथ उसको देख रहे हैं कि हम कोई भी टेम्पलेट इसके अंदर यूज कर सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन का, और उसके लिहाज से उसको हम जो है वो यूजेज को भी देखेंगे। तो ये हम अगर हम इस अपनी प्रेजेंटेशंस की बात करें जो इस वक्त जो है ना हम इस मार्केट भी कर रहे हैं, तो उसमें हम इसी चीज को स्लोगन हमने बनाया था कि भाई आप जो ना मिनिमम टाइम के अंदर जो एक अच्छी कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और आप एक ऐसी एप्लीकेशन जो है वो कैसे बना सकते हैं जो कि हम ये चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल बनाते थे। यानी अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यही प्रॉब्लम है। देखिए मैं ये कहता हूँ यार मैं आज कोडिंग करना सीख रहा हूँ तो मेरी कोडिंग को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और वाकई अगर हम उसकी बात करें ना सॉफ्टवेयर जैसे SDLC की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो उसके अंदर बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसको प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई कोडिंग जो है ना वो आपकी मेच्योर होती है और उसके लिहाज से उसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यार मैं अगर उस लेवल तक पहुंचूंगा तो मुझे बहुत टाइम चाहिए, और मैं कब वहां पहुंचूंगा, मेरी कब मैं मार्केट के अंदर वैल्यू होगी, कब मैं इस लिहाज से होऊंगा कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को मैं यूज करूँ या फिर मैं उसके अंदर चीजें बनाऊँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम आसान किया, एक तो ये लेके आ गया पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट उसने दे दिया। और ये बेसिकली पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग जिन लोगों को पता है वो ये है कि ये आपको ये कहता है कि देखिए अगर हर एक बंदा शुरू से कोडिंग करना शुरू करेगा और वो अपनी अपनी तरीके से कोडिंग करना शुरू करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उसका नुकसान ये होगा कि अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास उसके अंदर 10 लोग हैं, तो इसके अंदर ये है कि 10 लोग हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं। अब हर बंदा ना अपने अपने स्टाइल से ना कोडिंग करता है। अब उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब वो कोडिंग यानी वो सॉफ्टवेयर हाउस छोड़ के जाएगा तो दूसरा प्रोग्राम उसको हाथ नहीं लगाएगा, वो क्या कह रहा है इसने पता नहीं क्या कोड राइट किया, मैं ना उसको नहीं देख सकता। ठीक है,
ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हम फ्रॉम द बिगनिंग कोडिंग स्टाइल को यूज करते हैं और बनाते हैं और हर बंदा अपने लिहाज से उसको सीखता है और यूज करता है। दूसरा एक ये है कि एक पैटर्न आपको दे दिया जाए, आपको एक काम करने का तरीका बता दिया जाए, आप एक लाइन ऑफ कोड्स को आपको सिखा दिया जाए कि इस तरीके से लिखेंगे, यानी इंसर्ट इस रिकॉर्ड ऐसे होगा, अपडेट ऐसे होगा, डिलीट ऐसे होगा। और हर प्रोग्रामर जो कि इस वक्त हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, तो हम जस्ट उससे ये पूछते हैं, भाई आपको ईडी डॉट नेट आता है, आपको एमवीसी आता है, डॉट नेट एमवीसी कोर आता है, ठीक है, या फिर डॉट नेट की वेब एपीआई आती है, तो वो कहता है यस। तो हमें पता है कि ये उस तरीके को सीख के आया है जो कि सबको पता है, ठीक है, तो हम जस्ट ये चीज उससे पूछते हैं और उसके लिहाज से जो है ना उसको हम एक्वायर कर लेते हैं, और फिर वो हमारी जो है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है हमारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वो दौर है कि जिसके अंदर आप बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। अब इसके जिसके फायदे क्या है, फायदा ये कि हर बंदा जो जो कोडिंग स्टाइल को यूज करेगा वो सबको पता है, ठीक है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये कि एक स्टैंडर्ड आप शुरू से लेके चलेंगे, शुरू से आप स्टैंडर्ड कोडिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको ये सारे फायदे जो है ना वो मिलेंगे। अब यही वजह है कि आप इसके अंदर ना हर किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, और इसके अंदर अगर हम बात करें, अच्छा ये सारी चीजें इसमें यूज हो रही है, जैसे एआई भी यूज हो रही है, मशीन लर्निंग भी इसके अंदर जो है ना वो यूज कर रहे हैं, और आप जैसे जैसे कोर्स को करते जाएंगे तो उसके अंदर भी देखते जाएंगे। अब इसके अंदर सबसे जो एडवांस फॉर्म है ना मशीन लर्निंग, जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं, वो ये यूज कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो बेसिकली हम जब किसी मॉडलिंग की तरफ बात कर रहे हैं तो इसमें फीचर सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन होती हैं, दो चीजें जो मॉडलिंग की हम बात करते हैं। तो जब हम डॉट नेट की बात करते हैं और उसमें एआई की बात करते हैं, फीचर सिलेक्शन और जो है क्लासिफिकेशन आपको एक साथ मिल जाती है, जिसको डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से वो लेके आता है। फिर एज्यूर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उस चीजों को डिप्लाय करता है, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, इसके बाद विजुअल स्टूडियो के अंदर बिल्ट इन है, और आप इजीली चीजों को ना उसके अंदर डिप्लाई कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर भी बिल्ट इन इसने मशीन लर्निंग को दे दी। अच्छा देखिए, इस दो तरीके हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, या फिर ये चैट जीपीटी और इस वक्त जो ना मशीन लर्निंग को सीखने के। एक तरीका तो ये है कि मैं जनाब चला जाऊं जनाब पाइथन सीखने के लिए, पाइथन भी हम करवाएंगे इसके अंदर, पाइथन करवाते हैं कि हम जब अपने मॉडल बनाते हैं बिल्कुल से, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि आपको ग्राफिकल मॉडल कोई बनाना है या फिर आपको कोई और इस किस्म की चीज यूज करनी है, तो उसके अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग आपको मॉडल बनाना पड़ता है, तो उसके अंदर हम पाइथन यूज करते हैं, ठीक है, पाइथन भी हमारे इस कोर्स के अंदर शामिल है। लेकिन मैं अपनी कोडिंग की बात कर रहा हूँ, अपने स्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर प्री बिल्ड टूल इसने दे दी है आपको, जो कि विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, पहले वो नहीं थे, और इसके अंदर बिल्ट इन एआई है, तो आपका कोड जो के यानी पहले हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन में था, तो वो 100 पे आ गया, फिर 100 से वो आपके पास जो 5 to 10 लाइंस के अंदर आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोडिंग हो नहीं रही, कोडिंग हो रही है, लेकिन वो बैकएंड के ऊपर हो रही है, वो आप इसको देख भी सकते हैं, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप बहुत मिनिमम कोडिंग इसके अंदर करेंगे, यानी यहाँ जो कोर्स है उसके अंदर आप 70% जो है वो टूल को यूज करेंगे और 30% जो है ना वो कोड को यूज करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, तो इसके अंदर देखिए जो इसने एक यूनिफॉर्म यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दे दिया, अब चाहे वो डेस्कटॉप का एप्लीकेशन, जैसे डेस्कटॉप जो है इस वक्त दुनिया की इस वक्त नंबर वन ईआरपी है जो बन रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसके ऊपर बन रही है। फिर इसके अंदर इस पे डॉट नेट है, क्लाउड है, फिर आईओटी है, फिर एआई है, तो ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट के एक ही विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है ना मौजूद है, जहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। जब फिर एक और भी सवाल पैदा होता है यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो इसको करने का फायदा क्या, और वाकई क्या इसके इतनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं कि हम इसको करें या सीखें, तो वो उसका भी हमारा प्रूफ भी आपको लाइव भी दिखाऊंगा। तो इसके अंदर देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंसीज है ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो सब डॉट, ठीक है, इसमें हो क्या रहा था, इसमें हो ये रहा था कि एक दौर हमारे पास ऐसा था, बल्कि अभी समझ लें कि एक आध साल पहले तक भी हमारे पास ये, तब के लोगों को रियलाइज होता जा रहा है कि लोग कहते थे यार पीएचपी पे डेवलपमेंट करो, पीएचपी के फ्रेमवर्क पे आओ, जैसे कोडिंग नेटर है, लारावेल है उसके ऊपर आओ, फिर वो कहते थे यार एक काम करो जाना सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करो, सिंगल पेज एप्लीकेशन में आपके पास रिएक्ट आ जाता है, एंगुलर आ जाता है, इसको यूज करो, ठीक है, तो ये चीजें ठीक है। फिर वो क्या मर्न स्टैक की बात करते थे, फुल स्टैक की बात करते थे, जैसे मर्न स्टैक जो है ना वो आपके पास मोंगोडीबी एक्सप्रेस सर्वर नोड जेएस और रिएक्ट के प्रमोशनेबल था। अगर आप इन सब की सैलरीज भी निकाल लेना, मैं आपको दिखाऊंगा भी कंपैरिजन करके, तो वो इस सैलरी का कोई निमल बदल नहीं,
उन 1.5-2 लाख पाकिस्तान में मैक्सिमम, कोई अगर बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको 2.5 लाख तक दे देगा इन तमाम एक्सपर्टीज के। ठीक है, यानी उसको बंदे को PHP, लारावेल भी आती हो, उसको मॉडर्न स्टैक पे भी काम करता हो, वो फुल स्टैक पे भी काम करता हो, तो वो। और अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें इसके लोग बहुत हो गए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत है, इंडियन और दूसरे बंगाली और दूसरे जगहों के बहुत लोग जो मौजूद है, जो कि इस वक्त इसकी जॉब छोड़ ही नहीं रहे और बहुत चीप वर्क करके दे रहे हैं। तो ये जो है ना, हमें ये करना है कि भाई हमें हमें ये चाहिए था कि यार मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लूँ जिसमें लोग नहीं है और उसकी नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल है और उसके लिए ऐसे काम करे। तो ये .NET कोर जब आया ना, तो इसने एक तो ये किया कि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को अपने अंदर लेके आया, खासतौर विजुअल स्टूडियो 2022। वो आपके पास जनाब सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे आपके पास रिएक्ट है, आपके पास एंगुलर है, उसको भी अपने साथ लेके आ गया। फिर उसके बाद जैसे पाइथन है, उसमें डाटा साइंस है, AI, उसको भी अपने साथ लेके आ गया। वो चैट GPT की जितने भी टूल्स हैं उनको भी वो अपने साथ जो है ना लेकर आ गया। तो वो इस तरीके से वो सारी चीजें उसने अपने लिहाज से जो है वो सेट कर दी। तो हमारे पास ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जॉब्स को गेट कर लें, मार्केट के अंदर अपने शेयर को उठा लें। तो ये सबसे इस पर बेस्ट टूल है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसको हम देखेंगे और सीखेंगे कि वो किस तरीके से चीजें बना। और सबसे जो इसकी अच्छी चीज है जो मुझे लगती है वो ये है कि इसको बिगिनर भी सीख सकते हैं, इसको प्रोफेशनल भी सीख सकते हैं, और इसमें न्यू वे ऑफ प्रोग्रामिंग जो ना वो आपको मिलती है कि वो आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग स्टाइल को चूज कर रहे हैं, या पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल जिसको सब लोग इन फ्यूचर में अडॉप्ट करते हैं और सब लोग एक ही तरीके से काम करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसकी वैकेंसीज जो है ओवरऑल दी वर्ल्ड है मार्केट के अंदर इसको यूज हो रही है। ठीक है, जिनका आप जो है ना लिंक्डइन पे, इंडीड के ऊपर आप उसको तजिया कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इसके सैलरी पैकेज वगैरह जो है। तो अगर देखिए ये ओवरऑल पे, इसके रिमोट जॉब्स भी हैं पूरी दुनिया में इसके अंदर अवेलेबल्स हैं और उसके लास्ट वाले सब। तो अगर हम इस पे जाएं तो इसके हर, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यहाँ स्टडी करेंगे, जिसमें आपके पास डेस्कटॉप है, वेब है, इसके अंदर आपके पास जो ना AI है। तो अगर हम हर एक की जॉब्स निकालें ना, तो आपको ठीक ठाक इसकी जो ना वो मिलती है। जैसे आप इंडीड के ऊपर जाए और अभी जैसे हम जो पहला एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर वो डॉटेड डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो ना पड़ता है, उसी का भी मैं आपको जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसके लिहाज से उसको देखेंगे डॉटेड डेस्कटॉप। तो ये खाली डेस्कटॉप, अब इसकी हर एक की ना वो आपको अलग अलग जॉब अगर इकट्ठी आती है तो बहुत ही बेस्ट वे है। लेकिन ये है कि अगर आप इस लिहाज से भी कर रहे हैं, खाली मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना ये आपसे मांग रहा है, जिसमें ये आपको मांग रहा है .NET। अच्छा, ये सारी चीजें जैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हम लोग पढ़ाएंगे आप और उसके लिहाज से आपको जॉब के लिहाज से प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, और आपको ये दिखा रहे होते हैं कि भाई ये देखो ये जॉब मार्केट है, ये कंपनीज है, ये इसकी सैलरी है। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो यहाँ यहाँ आप जाके फिट हो सकते हो। यानी देखो, ये तो सबसे पहली वो चीज है ना, जो चीज मांग रहा है वो आपको आनी चाहिए। जैसे ये आपको कह रहा है कि आपके पास .NET लैंग्वेज के अंदर VB, .NET C# जो है ना वो आनी चाहिए, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, वेब आनी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट सिस्टम एनालिसिस के जैसे टूल वगैरह होते हैं उसको देख रहे हैं, फिर 2 to 6 years एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये एक्सपीरियंस ऐसे पता आता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि जो ओरिजिनली ये है कि चीजों की आपको नो होनी चाहिए। जैसे एसक्यूएल सर्वर ही मांग रहा है, एसक्यूएल सर्वर भी हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर है, ट्रिगर्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए C# बेसिक एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन पैटर्न, अब देखिए ज्यादातर यही मांग रहे होंगे। ये जो चीज है ना कि ये डिजाइन पैटर्न पे आपको काम करना चाहिए, नॉर्मल कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से ASP.NET का ये डेवलपर इसको चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी देखें ये MVC पे जा रहा है, RESTful API के ऊपर जा रहा है, जो मैं अभी आपसे कह रहा था हमारे कोर्स में शामिल है और उसको यूज कर रहे हैं। और अगर हम इसकी देखें सैलरी पैकेज भी इसमें लिखे होते हैं, इसकी सैलरी पैकेज है ना पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2.5-3 लाख रुपए, बाहर अगर हम निकल जाए तो समझ लें 8-10 लाख रुपए का उसका सैलरी पैकेज है। नहीं यूज कर रहा, क्योंकि ये सीनियर .NET डेस्कटॉप डेवलपर का है। तो इसके अंदर भी C# है और ये फ्रेमवर्क पे 4.5 और मांग रहा है, और इसकी जो सैलरी है तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान मांग। ये इस तरीके से जो ना आप जो ना अपनी उसको यूज कर सकते हैं, तो आपको किस तरीके से
सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी जैसे ये, अब इसके अंदर बिगनर की भी जॉब्स हैं थोड़ी सी, जो है ना बाहर की भी जॉब्स हैं, तो हर एक के लिए आसर को मिलता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस पर, मार्केट के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिहाज से इसको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है ना वो बना के दिखाते हैं, और उसके अंदर जैसे मैं आपको ये क्लेम कर रहा हूँ तो भाई ये जो है ना, इसके अंदर चैट जीपीटी है, इसके अंदर एआई है, और इसके अंदर जो पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग को हम सीखेंगे, इसके अंदर 70% टूल है और 30% कोड है। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं ना, क्या बात है मैं जो कह रहा हूँ वो है भी क्या नहीं है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हम आपसे क्वेश्चन आंसर होगा इसके अंदर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मोटो है वो हमारे पास यही है कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको सिखानी है और आपने करनी है, और जो मार्केट में चल रहा है उसके लिए हासिल करनी। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी जो पहला एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और अभी हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं एक सैम्पल डेटाबेस है हमारे पास ई कॉमर्स की, वो बनी हुई है, उस पर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर्म की ना, जिसमें हम रिकॉर्ड को ऐड अपडेट डिलीट सेलेक्ट वगैरह उसके अंदर देखेंगे। अब यही काम अगर हम किसी और लैंग्वेज में करते हैं तो वो जनाब महीनों के अंदर जाके कोई ये काम सिखाता है, और ज्यादातर लोगों का कोर्स एंड इसी पे रहता है कि क्रूड ऑपरेशन में पढ़ा देते हैं, ये हम पहली क्लास में करवाते हैं। फिर बकिया चीजें हमारी चल रही होती हैं जिसमें आपके पास जो है ना सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन, सॉकेट प्रोग्रामिंग, एमवीसी, एमवीसी कोर, एपीआई, ठीक है, और ये एआई वगैरह, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, वो 6 महीने तक चलेंगी। लेकिन ये कि जो बेसिक चीज है ना, जो बेसिक चीजों को इतना टाइम देना चाहिए उतना ही हम यहाँ पर देंगे उसके लिए यूज करेंगे। आपने पिछले स्टूडियो 2022 जो है ना माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर लेना, फिर उसको आप हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे 2022 को मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पर हम गए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ इसके अंदर से जैसे मैंने बोला, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ना, जिसके अंदर डेस्कटॉप भी है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी है, जिसके अंदर माइल भी है, जिसके अंदर आपके पास रिपोर्टिंग भी है, रिपोर्टिंग भी करवाएंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट इसके अंदर कवर करवाएंगे, फुल फ्लैश एक एप्लीकेशन जो है ना वो बनवाएंगे, जिसको हम जो है ना वो यहाँ पर यूज करेंगे। नहीं, मेरी वॉइस तो आ रही है सब लोगों को, आपकी आपकी जो ना, मेरे ख्याल से आपको मैंने म्यूट किया हुआ, मेरी आवाज तो आ रही है जी, और किसी को मेरी आवाज का मसला है तो बताएं, सबको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, देखिए नदीम साहब क्या रहे, ठीक है ठीक, ओके। तो हम यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर जाएंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर, जस्ट मैं आपको ये डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि भाई जो मैं आपसे कह रहा हूँ 70% टूल यूज करेंगे, 30% कोड यूज करेंगे, और एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है ना वो बनाएंगे, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, इस पे नेक्स्ट पे जाते हैं, आपको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन आपके पास मिल जाती है, अभी हमने एक विन फॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। हाँ चाहिए तो इसको बैक करते हैं, गलत चूज कर लिया मैंने, इसके अंदर डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करेंगे, अब जॉब में भी ज्यादा डॉटनेट फ्रेमवर्क को मांग रहे हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दो, इसके अंदर 4.7 ले रहे, ठीक है, क्रिएट कर देंगे इसको। हाँ तो ये देखें आपके पास जो है ना विजुअल स्टूडियो की फर्स्ट एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म इस पर नजर आ गया। अब इसके अंदर अगर हम जिन लोगों को पता नहीं है तो ये साइट में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, जिसके अंदर जितने भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो नजर आ रहे हैं, फिर ये आपके पास टूल बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें जितने भी टूल्स होते हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर हम वैसे बात करें तो सी शार्प, बेसिकली सी शार्प लैंग्वेज, सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन से काम करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी क्लास का होता है, क्लास किसी चीज का ब्लूप्रिंट या फर्दीफा का होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन से काम, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है किसी क्लास का होता है, जैसे इस वक्त हम इंसान के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो तो हम क्लासरूम में बैठे हुए, और हमारे पास जैसे मैं अपने बोलने का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, अपने सुनने का फंक्शन यूज कर रहा है, तो हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम क्या, इस वक्त दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती है। क्लास में दो ही चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। जैसे हम ह्यूमन क्लास की बात करें तो
तो प्रॉपर्टीज वो चीज होती है जो कि आपको नजर आती है, जैसे आपकी आंखें, आपके नाक, आपके मुंह, प्रॉपर्टीज। फंक्शंस क्या, आप चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये आपके फंक्शंस, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना फ्रेमवर्क दिया है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस देते हैं, जैसे ये बटन, चेक बॉक्स, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है जिनको वो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास फॉर्म है, तो ये फॉर्म आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन का, जो कि आपको नजर आ रहा है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो ये आपके पास पहला स्टार्टिंग पॉइंट यानी फॉर्म जो है ना बन जाता है। तो फॉर्म वन हमारे पास एक क्लास है, क्योंकि हम अपनी क्लास बना रहे हैं, इसको जो है ना वो हमने इनहेरिट किया हुआ है हमारे पास फॉर्म की क्लास। अच्छा, थोड़ी सी तरह से बता, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके अंदर जो है वो आएगी, उसको समझाएंगे भी, आपको पढ़ाएंगे भी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्री पिलर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। चौथा भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम थ्री पिलर्स को यूज करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग को कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे पास की पेरेंट क्लास होती है, उससे अपनी चाइल्ड क्लास बना लेते हैं और उसके लिहाज उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आ जाते हैं जो कि हमारे पास पेरेंट क्लास। अब जैसे कि आपको फॉर्म नजर आ रहा है, तो इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपको एक नेम स्पेस दिखा रहा है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म। नेम स्पेस बेसिकली क्या होती है कि जहाँ पे सारी क्लासेस है। फॉर्म हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, फॉर्म वन हमारे पास हमारी क्लास है, इसके अंदर इसका ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये सारे इसके फंक्शंस, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्म वन पे हमने जाके लिख दिया हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। फिर इसके अंदर मुझे कोई हेडिंग देनी है, तो मैं जनाब इसके ऊपर जाके एक लेबल में ले लेता हूँ। अच्छा, देखेंगे, मैं तकरीबन जो है ना 70% में टूल ही यूज करूंगा, बहुत कम कोडिंग यूज होगी। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कर रहा होगा इस मेरे भी, आप मैं आपको दिखाऊंगा अभी से लेबल्स पे गया, मेरे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया, तो कुछ इसका फोन वोन बड़ा कर देते हैं, तो कलर दे दिया हमने। अब इसके अंदर जैसे बटन पैलेट मुझे बनाना है, जिसके अंदर हम ये चाहेंगे कि हम रिकॉर्ड को ऐड, अपडेट, डिलीट किस तरीके से करेंगे, नेविगेट किस तरीके से करेंगे, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे पैनल पे, सारे कंटेनर्स में से पैनल ले लेते हैं। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर वगैरह आपने इसके अंदर कोई दे दिया, इस पर बटन असाइन कर दिया आपने। अब ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी कोडिंग नहीं कर रहा, सब टूल्स हो रहा है। जैसे न्यू का बटन है, जिससे हमारा फॉर्म जो है ना वो ब्लैंक हो जाएगा। सेव का बटन होगा तो वो रिकॉर्ड को ऐड भी करेगा, वो अपडेट भी करेगा। अच्छा, अब इसको मुझे इंटरेक्ट करवाना है डेटाबेस से ना, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अपना एक आर्किटेक्चर देता है जिसको हम डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसमें भी कहते हैं कि आप जो भी काम करेंगे क्लाइंट की रिपोजिटरी भी करेंगे, क्लाइंट की डेटाबेस पे करेंगे। अब ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जो कि इस वक्त जो सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, जिसको हम वर्चुअल डॉम के थ्रू जो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेटा सेट लेते हैं, डेटा सेट के अंदर इसको सर्वर से कनेक्ट करते हैं और ये सारे एक्शन जो कि हमारे पास हम डेटाबेस में परफॉर्म करने, डेटा सेट के अंदर करेंगे और वो सारी चीजें यहाँ पर लिंक होगी हमारे फॉर्म से। तो उसको बनाने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अरे, इसमें देखिए मोस्ट टूल यूज कर रहा है, लेकिन प्री बिल्ड टूल इसके बड़े जबरदस्त है। एड पे जाएंगे, यहाँ से न्यू आइटम पे जाएंगे और यहाँ से डेटा ले लेंगे, डेटा सेट का ऐड कर देंगे।
और इसके अंदर हम सर्वर एक्सप्लोरर पर जाएंगे जो कि मेन सर्वर है आपके पास ना, जिसका नॉर्थविंड का एक डेटाबेस है हमारे पास, ई कॉमर्स की, उसको ले लिया मैंने। अब इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी हम बहुत डिटेल में इसमें आगे चल के पढ़ेंगे, तो ईआरडी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होती है, किस तरीके से बनती है। अभी फिलहाल एक डेमोस्ट्रेशन क्लास है, पार्ट दे देंगे, कैटेगरी दे देंगे। सप्लायर दे देंगे, ये प्रोडक्ट के टेबल यानी वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें सेव करनी है, और उसकी डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें सेलेक्ट करनी है, इसे कैटेगरी और सप्लायर वो हमने यहाँ दे दी। अब इसे यहाँ सेव कर देते हैं, और यहाँ पर मुझे ये चीज़ बनाना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप डेटा सोर्स के ऊपर जाएंगे, ये चीज़ यहाँ आ रही होगी आपके पास, और आपने इसको प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब इस पर डेटाबेस में इमेज भी सेव करनी है, वो बाइनरी फॉर्म भी तो सेव होगी, तो यहाँ से इसको पिक्चर में आप कन्वर्ट कर देंगे पहले, और इसको एज अ डिटेल यहाँ से उठा लेंगे, और इसको उठा के यहाँ से यहाँ दे दें। तो ये पूरा ना आपके पास टेक्स्ट फील्ड सारी बन गई है, और उसके लिए चीजें भी आपको नजर आ रही है, और ये टेक्स्ट फील्ड में थोड़ा बड़ा करना है आपको, बड़ा कर लें। इमेज को मुझे ब्राउज भी करना है बाद में जाके ना, इमेज में यहाँ ले आता हूँ। अब इसके अंदर एक ब्राउज का बटन दे देंगे हम, जिससे हम जो नई इमेज हम यहाँ लेके आएंगे उसको यूज करेगा, यानी उसकी डेटाबेस में इमेज को सेव कर देगा ब्राउज कर, सही। अब अगर इस वक्त आप इस फॉर्म को चला के देखें तो ये फॉर्म तकरीबन रेडी है। अब याद रखें कि अभी तक मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा, यानी एक तो ये कर रहा है कि आपको ना 70% आपका ये टूल यूज कर रहा है, और उसके अंदर आपको जो कोडिंग है वो भी फिर बहुत मिनिमम उसने कर दी। जैसे कि नेविगेशन बार भी तो कुछ बना के दे दिया, लेकिन हम इसको रिमूव करेंगे, अपना नेविगेशन बार करेंगे और उसको कस्टमाइज हम देना वो लेके। अब जैसे ये इमेज हमें सही नजर नहीं आ रही, तो ये चीजें हमें सीखनी है। जैसे इसको फिट करना है तो इसको प्रॉपर्टीज जाके फिट कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। इसको हमने साइज मोड इसका जाके स्ट्रेच, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपके पास ये रिकॉर्ड आ गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस रिकॉर्ड को चेंज मुझे करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो ओपन फाइल डायलॉग खुल जाए, और उसके लिए हम अपनी इमेज को चेंज कर पाए, और वो इमेज फिर यहाँ लग जाए, और फिर वो डेटाबेस में जाके सेव भी हो रहा है बाइनरी फॉर्म के अंदर। सारी वो चीजें कि अगर मैं इनको पहले वाली कोडिंग के ऊपर लेके जाऊं तो ये बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है, खाली आप इमेज टू बाइनरी कन्वर्जन को जाके स्टडी करें तो आपको पता चलेगा इसमें कितना काम करना पड़ा, ठीक है। कितनी लाइन ऑफ कोड्स आपको, 100 ऑफ लाइन ऑफ कोड्स आपको ये लिखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम एक सिंगल लाइन से काम करते करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दे देंगे जो कि इसको डायलॉग्स को ओपन करेगा। तो यहाँ पर कंटेनर है, इसमें डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग्स यहाँ से ओपन फाइल डायलॉग ले लिया। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल है, ओपन फाइल डायलॉग वन एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओपन फाइल डायलॉग क्लास का है। इसके अंदर दो चीजें हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। इसको मुझे कहाँ कॉल करना है, मुझे यहाँ कॉल करना, बटन के बस पे लिख देते हैं ब्राउज, तो इसमें मैंने लिख दिया ब्राउज। अब इसको जस्ट कॉल करना, अब ये कोडिंग है वो 30% समझ लें या 10% समझ लें, हमें करनी, और काम तो नहीं करके देखा नहीं। तो इसको करने के लिए आप जस्ट ब्राउज पे डबल क्लिक करोगे तो ये कोड आ जाएगा इसका, इसको हम जाके करेंगे। अब यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखना ओपन फाइल डायलॉग वन ओपन। अब देखिए ये इसकी इंटेलिजेंस आ गई, आपको खुद बता रहा आप क्या लिखना चाह रहे हो, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ डॉट शो डायलॉग,
डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सर। अब देखें ये इसके अंदर जो आपसे कह रहा था ना, वैसे चैट जीपीटी को बिल्टन दे दिया आपको, तो ये एआई है इसके अंदर। यानी अभी मैंने खाली लिखा है शो डायलॉग, आ गया कोड इसमें खुद बना हुआ आ गया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको यही लिखना था, तो आप टैब का बटन प्रेस करोगे, लिख देगा। फिर उसके बाद अब इसको चला के देखें तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होगा। यानी एक तो 30% कोडिंग है उसके अंदर भी, वो जना इसने आपको ओपन एआई के थ्रू जना चैट जीपीटी को इसने बिल्ट इन दे दिया है। और उसके अंदर ये है कि आगे से आगे आपको कोड वो लिख के दिखा रहा होगा, जैसे मैं इस पर गया तो ये आपको डायलॉग बॉक्स इसके अंदर ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर जाके आप फिर आप कोई भी इमेज है ना वो ब्राउज करके यहाँ पर लगा देंगे। एक बार इमेजेस तलाश कर रहा हूँ सर, कहाँ है? ये पड़ेगी मैंने उठा गया। ठीक है, इमेज तो यहाँ आई नहीं, हर काम थोड़ी होगा, ये खाली ब्राउज करके लेके आ रहा है। अब आगे भी तो कुछ को लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आएगी इसमें इमेज, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्लास यूज करेंगे, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करेंगे। अब बिट मैप की एक क्लास होती है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बिट मैप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे बिट मैप ए इज इक्वल टू, ये बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। ये तो मैं एग्जांपल एप्लीकेशन के तौर पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस चीज को प्रूफ करने के लिए इसमें कोडिंग मैंने मैम है और इसे क्लास यूज कर रहा हूँ, इसमें हम एडवांस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। अब बिट मैप के अंदर ना हमें ओपन फाइल डायलॉग वन का फाइल नेम को शो करना है, यहाँ पे देखेंगे ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल। अब देखिए इंटेलिजेंस आ गई, और ये पहले ये नहीं बताता था, ये अब इन्होंने डाला है। अब इसे आप टैब प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ, फिर आपने क्या करना है इसको जो है ना, आपको इस पिक्चर बॉक्स के ऊपर इस इमेज को बस सेट करना है। तो आप गए इसके ऊपर, इसमें है डीबी इमेज पिक्चर बॉक्स, तो इसके ऊपर आप उसको सेट भी करेंगे देंगे डीबी इमेज पिक्चर बॉक्स। अब चाहिए देखें, यानी ये लिखने ही नहीं दे रहा मुझे, ये कह रहा आप ये लिखना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई ये लिखना चाह रहा हूँ, तो टैब प्रेस करोगे तो ये पूरा ही लिख देगा। और बिल्कुल सही बताया, स्क्रॉल करके देखते हैं। यानी जो चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हैं ना, उसके अंदर तो ये होता है कि आप जो है ना वो खुद से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ये तो आप जैसे आगे बता रहा होता है, ये आप करना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं इमेज को चेंज करना चाह रहा था, तो इसमें चेंज किया मैंने, यहाँ पर मैं गया कोई इमेज में लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं ये लगा इमेज आ गई। अब इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो अरे वैसे तो इसने यहाँ कोड करके दे दिया, लेकिन ये कोड में खुद से राइट करूंगा, बहुत फ्यू लाइन ऑफ कोड्स है, अगर इसको भी अभी प्रेस कर दूंगा रिकॉर्ड सेव हो जाए। और फिर मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ, आपको ये इमेज शो कर रहा है, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आऊंगा फिर, अगर नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो इस तरीके से अब नया रिकॉर्ड इसमें ऐड कर दूँ। तो अगर अभी आप देखें तो अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉमा बॉक्स चाहिए था यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर तो लिस्ट आनी चाहिए, कैटेगरी आनी चाहिए, लिस्ट आनी चाहिए, तो ये भी तो लाओ। और कोडिंग का मेरे पास टाइम नहीं, लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करनी मुझे, तो मैं क्या करूंगा इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ, और यहां से मैं गया कॉमा बॉक्स पे, तो ये देख ये मैं गया और इसको मैंने यहाँ से ये बना, फिर इसको मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से चूज यूज डेटा बाउंड आइटम पे, जितने 70% या टूल यूज हो रहा है, कोई कोड वोड नहीं कर रहा मैं। अब डेटा सोर्स में गया, यहाँ से अदर पे गया, यहाँ से प्रोजेक्ट पे गया, यहाँ से डेटा सेट वन पे गया, यहाँ से मुझे सप्लायर शो करना, सप्लायर फिर डिस्प्ले में इसमें नेम आएगा तो नेम दे दो, वैल्यू में इसमें आइडिया इज प्रोवाइडेड, और सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर प्रोडक्ट बाइंडिंग सोर्स की सप्लायर आइडिया। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 70% टूल यूज हो रहा है और इसमें हम हर चीज में यही करेंगे।
है, चाहे वो आप AI यूज करें, चाहे मशीन लर्निंग यूज करें, चाहे .NET Core यूज करें या ASP.NET। अब आप देखें तो सप्लायर की ना यहाँ पर लिस्ट आ रही है, तो मुझे जो कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है या पुराना रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है तो मैं उसके लिए आ सकता हूँ। अब इसके अंदर भी मैंने कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं किया, ये सारी लिस्ट आ गई। इसमें कैटेगरी के मुझे नाम आईडी थोड़ी पता है मुझे, मैं लिस्ट आ रहा हूँ, लिस्ट आ रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट ऑप्शन, और यहाँ से हम गए फॉर्म बॉक्स के पास। उसके बाद अब इसके ऊपर सिलेक्ट किया आपने यहाँ से यूज डेटा बाउंड आइटम, इसमें आप गए यहाँ से अपने डेटा सोर्स अदर। देखिए इसका फायदा ये है कि आपको लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करनी, आपकी कोडिंग कोई टेस्ट नहीं करेगा, उसको पता है यार ये डॉटनेट फ्रेम, देखो वहाँ पे लिखा होता है डॉटनेट फ्रेमवर्क आना चाहिए, इडियो डॉटनेट आना चाहिए, तो उसको पता है वो इस तरीके से काम उसको आता होगा, ये सीखना है। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। आप यहाँ कैटेगरी नेम दे देंगे, बैक एंड पे वैल्यू आ जाएगी, और सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर आपने प्रोडक्ट बाइंडिंग सोर्स की कैटेगरी, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपके पास हो गया, और ये पूरा क्रूड का जो है ना फॉर्म जो है ना वो ऑपरेशन यहाँ बन गया है। इसे रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और इसको फिर हम बाद में कस्टमाइज करें। जैसे नया रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है तो मैंने न्यू का बटन प्रेस किया, यहाँ पर मैं दे दिया न्यू रिकॉर्ड, इसको मैंने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, इसको से कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी पर यूनिट बता दिया मैंने, यूनिट प्राइस बता दिया। जी ये बटन पैलेट मैं इसी वजह से बना रहा था, अब हमारे जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आप देख सकते हैं जो रिकॉर्डेड है, इनको इस फॉर्म को मैंने कंप्लीट किया। फिर सर्चिंग विंडो वाला फॉर्म भी इसमें बनाया है, फिर इसके अंदर मास्टर टेल फॉर्म भी हम बनाएंगे, तो ये पूरा ऑपरेशन इस चलेगी। अभी तो फिलहाल जैसे पता है कि डेमोस्ट्रेशन है जस्ट, तो मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं बता रहा, आगे चल के इसको हम देखेंगे। और इसकी इमेज भी हमने कोई ब्राउज करके दे दी इसके अंदर से। अब मैं इसको जब यहाँ से सेव करूंगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, इसकी आईडी भी उसने दे दी। अब आप इसको इसी तरीके से लास्ट से फर्स्ट पे जाए तो ये है आपके पास, लास्ट से बड़ा ये है, तो प्रीवियस पे जाए तो ये, ठीक है जी। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्या क्या इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, AI और मशीन लर्निंग को किस तरीके से यूज करेंगे, चैट जीपीटी हमारी किस तरीके से इसमें हेल्प करेगा, विजुअल स्टूडियो 2022 है ना वो क्या है। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, भी जॉब मार्केट को भी हमने देखा कि आप इसके अंदर क्या क्या जॉब्स गेट कर सकते जी, तो क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ जी यासिर, किसी का कोई क्वेश्चन? आरिफ साहब, नदीम साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, शहरोज, कोई क्वेश्चन मुझे बताएं। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आरिफ साहब बोले। मैं ये पूछना चाह रहा था, इसके अंदर हम बैक एंड पे जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं, SQL यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें SQL के अलावा डिफरेंट कोई डेटाबेस लाइक ओरेकल वगैरह यूज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा इसमें? देखिए मैं खुद भी ओरेकल ही यूज करता हूँ, और इसके लिए आपको जो है इसका डिवाइस ड्राइवर मैं दे दूंगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके लिए से फिर उसकी जो है तमाम चीजें आपको मिल जाती है। फिर सेकंड वन ये होता है कि जहाँ पर हम उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं, यानी एक तो ये है कि इसके अंदर आप इसकी साइट के ऊपर जाएंगे ना, ओरेकल की साइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आप उसको इसका विजुअल स्टूडियो 2022 का आपको डिवाइस ड्राइवर मिल जाएगा, तो उसकी कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। वरना यह है कि आप डेवलपर 10G अगर कहीं पर आपके पास है, उसका क्लाइंट है, तो उसको भी आप इंस्टॉल करके उसको कनेक्शन स्टेबल कर सकते हैं उसके अंदर TNS लिसनर के थ्रू ना, और फिर उसको यूज, वो मैं करवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं खुद इस पे काम कर जी। और कोई क्वेश्चन? जी सलाम अलैकुम, जाहिद की बात कर रहा हूँ। जी, जाहिर भाई। सवाल सर मेरा ये है कि जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, जाहिर था आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछे भाई, जाहिर था आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, मुझे एक सवाल पूछना है। प्रोजेक्ट जी जी है या बोले। उस पे जब हम एक UI डेवलप करेंगे तो क्या फिर भी हमें ये .NET पे ये वाला काम करना होगा जो भी हमने फॉर्म डिजाइन किया है? दोबारा से पूछा, आपका सवाल बीच में कट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वो
अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि रिएक्ट पे जब हम कोई एक फॉर्म के जो यूआई डिजाइन करेंगे, तो उस सूरत में भी क्या हमें डॉट नेट पे अपना ये काम करना होगा, जो ये टेक्स्ट बॉक्स और ये सारे जो हमने काम किया है, ये किस देखिए तरह से देखिए होगा? देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। इसके अंदर हमको ये कोर्स नहीं पढ़ रहा, ये तो पहला कोर्स है डॉट नेट एस्टिमेशन का। फिर उसके बाद ESP डॉट नेट है, फिर उसके बाद MVC, MVC कोर है, फिर उसके बाद रिएक्ट है। तो रिएक्ट तो सिर्फ यूजर इंटरफेसेस अच्छा है, वो बैकएंड पे इंटरलिंक होते हैं वेब अच्छा API से। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस आपके पास जाहिर सी बात है वेब ऑब्वियसली वहां पर बना हुआ होगा, और उसके अंदर आपको JSON बेस्ड है वेब API को यूज करेंगे, जो कि हम ESP डॉट नेट वेब API के अंदर बनाएंगे। रेस्टफुल API होगी, उसको फिर वहां पर आपको इंटरेक्ट करवा सिखा देंगे। अब रिएक्ट के अंदर जस्ट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि रिकॉर्ड का क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, वरना यूजर इंटरफेसेस जो है यानी टेम्पलेट जिसको हम कहते हैं, वो तो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर पूरा टेम्पलेट बना हुआ होगा कि उसके अंदर जो है ना आपके पास एडमिन पैनल भी पूरा बना हुआ होगा, इसमें ऐड अपडेट डिलीट के फॉर्म भी सारे आ रहे होंगे। और उससे पहले हम ASP डॉट नेट और MVC के अंदर ये बहुत अच्छा डिटेल के अंदर ना वेब एप्लीकेशन को पढ़ लेंगे, तो हमें उस टेम्पलेट को स्टडी करना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वेब API को भी आपको 3 डिफरेंट तरीकों से यूज करना सिखाऊंगा, जैसे jQuery के थ्रू उसको यूज करेंगे, इसके अलावा रिएक्ट के थ्रू उसको यूज करेंगे, तो वो भी आपके लिए ऐसा कोई जना मसला नहीं होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा ये सवाल है कि मैंने मैंने पहले प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा काम किया है, और मैं जो चीज़ सीखा हूँ ये है कि प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉजिक बिल्डिंग। जी, ठीक है, मतलब कि आपको प्रोग्राम दिया हो, आपको उसका सोल्यूशन सोचने में आसानी हो कि किस तरीके से मैंने इस अप्रोच को पूरा करना है, तो हम उस चीज़ पे क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे, हमारा स्टार्टिंग फेज क्या होगा, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए लॉजिक्स जो होती है, जैसे आपको आपको काम दिया गया, मोस्टली तो हमारे पास इस किस्म की चीजें होती हैं। जैसे अगर हम क्रूड ऑपरेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है। अब मैं आप व्हीकल ट्रैकिंग की बात करता हूँ या टेलीजुशन की बात करता हूँ, तो उसके अंदर कोई लॉजिक हमें बना नहीं है, और उसके अंदर फिर हम एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो फिर हमें ये देखना होगा जैसे सीरियल पोर्ट से डेटा किस तरीके से आ रहा है, या फिर हम इसको एजेस के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किस तरीके से करेंगे। अब जो पहले दौर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सारी लॉजिक हमें खुद सोचनी पड़ती, ठीक है ना, कि किस तरीके से होगा। अब आ गया ChatGPT, ठीक है, तो हम ये कर रहे होते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था कि हम जो कोड लिख रहे होते हैं ना, ये उससे आगे आपको कोड लिख के दिखा रहा होगा, तो जी आपकी मर्जी है कि आप उस कोड को यूज कर लें अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कोड अच्छा नहीं लगता तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। यानी ये आपकी लॉजिक बिल्ड, आप इसको इस वक्त जो अगर आप विजुअल स्टूडियो 2022 का ChatGPT यूज नहीं भी कर रहे ना, वो तो बहुत एडवांस है। आप नॉर्मल ChatGPT पे चले जाएं, जो फ्री इस वक्त जो ChatGPT भी है ना, जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है, उसके भी 3 वर्जन है। एक वो जी चैट सर जीपीटी है जो पब्लिक के पास है, एक चैट जीपीटी जो कि पेड जो डेवलपर यूज करते हैं। ठीक है, जी सर तो ये 2022 के अंदर उन्होंने पेड चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया हुआ, और सर उसके अंदर चैट जीपीटी तो देखा जाए तो वो एक स्मार्ट सोल्यूशन आ गया, लेकिन वो तो हमारे काम को इजी कर रहा है। मतलब पहले तो हमें खुद को ही थोड़ा सा हार्ड वर्क करके कोड में कहाँ कहाँ चैट जीपीटी यूज करना है, कहाँ चैट जीपीटी यूज नहीं करना, नहीं, वो चीज़। वो तो आप एनालाइज करेंगे ना यार। देखिए आपकी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये तो पहले खुद सोचना है ना यार कि फाइल ब्राउज होगी, उसके लिए ओपन फाइल डायलॉग मुझे चाहिए होगा, फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए यार बिटमैप की इमेज बनेगी, फिर मुझे ये पता होना चाहिए इसकी फाइल लोकेशन कोई आएगी। इतनी तो लॉजिक्स आपके पास होनी चाहिए ना, फिर उसके बाद चैट जी जीपीटी कोई आपकी हेल्प करेगा। तो जाहिर सी बात है ये चीजें जो होंगी कि ये काम किस तरीके से करना है, ये काम किस तरीके से होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आता है वो, हम आपको भी सिखाएंगे। फिर आप प्रैक्टिकल लाइन के अंदर होते हैं तो फिर आपको खुद ब खुद इसकी नॉलेज होती भी जाती है। फिर अब तो एडवांस चीजें इतनी आ गई है कि हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, वो बता देगा कि काम किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है जी, ठीक है सर, डन है। जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मोहम्मद यूसुफ का बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा सर, अभी आपने इमेज सेव करने का बताया, इसके अंदर तो बाइंड्री में आप जो है ना इसमें इसको स्टोर करवा रहे हैं, तो जी, नहीं ये बाइंड्री में ये सर सर्वर के अंदर ज़्यादा लोड नहीं ले लेता ये? ये देखिए, ये तो मैंने आपको जस्ट ये बताया। वैसे हम जैसे सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं ना, वो हम सेव कर रहे होते हैं, या फिर जो है ना कोई और इस किस्म की जो चीजें, जैसे हम इंप्रेशंस वगैरह ना वो सेव कर लेते हैं डेटाबेस में ना, और ना इमेजेस वगैरह को जाहिर से ऑब्वियसली हम फोल्डर में सेव करते हैं और जी वहां जी से कर रहे होते हैं।
तो ये जैसे टॉपिक इस लिहाज से था कि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे थे कि मुझे पता है कि बाइनरी टू इमेज या इमेज टू बाइनरी कन्वर्जन में ठीक ठाक कोड करना पड़ता था पहले ना, तो उसको मैंने ये दिखाया कि ये कोड नहीं जी। करना पड़ता, अब सिंगल अच्छा लाइन दूसरा सर, से। ये एमवीसी के वाले से हैं, आप ये कभी करवाएंगे इसमें? हाँ जाहिर सी बात है, ASP डॉट एंड MVC के अंदर कंप्लीट होगा, मॉडल वेयर कंट्रोलर के अंदर यूज करेंगे। देखें इसमें हो ये रहा है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप एप्लीकेशन कवर कर रहे हैं, उसके भी मार्केट वैल्यू है, हेलो, उसमें जॉब्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है ना आप ASP डॉट नेट के ऊपर आ जाएंगे, फिर MVC के ऊपर आएंगे, फिर MVC कोर के ऊपर आएंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको हर एक के अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कवर कर रहे हैं, जैसे इसमें सेल परचेस का सिस्टम है, उसमें ई कॉमर्स की साइट बनवा रहे हैं ASP डॉट नेट में, वही ई कॉमर्स की साइट फिर MVC और MVC कोर में भी हम बनवा रहे हैं। डिफरेंस ये होगा ASP डॉट नेट के अंदर सर्वर कंट्रोल यूज करेंगे, MVC के अंदर हम विदाउट सर्वर कंट्रोल्स उसके अंदर यूज करेंगे, रेजर सिंटैक्स की मदद से, मॉडल व्यू कंट्रोलर की मदद से, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल के जो थ्री अप्रोचेस हैं, मॉडल फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट, कोड फर्स्ट, उन तीनों अप्रोचेस को स्टडी करेंगे। फिर यही सारी चीजें हम डॉट नेट MVC कोर में लेके जाएंगे, उसमें भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में बनवाऊंगा, लेकिन उसमें डिफरेंस ये आएगा कि आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का हम कॉन्सेप्ट देंगे, और उसके अंदर देखेंगे सर्विसेज कैसे बनाई जाती हैं और उनको फिर एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते। जी और कोई क्वेश्चन भाई? सर एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं, हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन कर ली, उसको फिर हमें अगर कन्वर्ट करना हो वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में, तो उसके लिए इसका कितना जो प्रोसेस होगा वो लेंदी है या शॉर्ट प्रोसेस है, या उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है यार, इसके अंदर ना शुरू से ही बनानी पड़ेगी। इवन ये कि ASP डॉट नेट की जो एप्लीकेशन है वो तो वेबसाइट है ना, वो दूसरी टाइप की जो वेबसाइट है MVC उसमें कन्वर्ट नहीं होती। इसी तरीके से MVC की जो एप्लीकेशन है वो MVC कोर में कन्वर्ट नहीं होती। इसमें हर चीज जो है ना वो फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ना वो बना होती है, कन्वर्जन कोई नहीं होती। तो यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ही हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये हम वेब बेस लेके जाना चाह रहे हैं या मोबाइल बेस लेके जाना चाह रहे हैं या डेस्कटॉप। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब अच्छा सर, वेब, तो हाँ बोले। ये वेब बेस्ड जो होगी एप्लीकेशन हमारी, तो क्या हम उसको भी मोबाइल पे कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे या उसके लिए भी? वो तो कन्वर्ट कर देते हैं ना। मैं आपको बेसिकली ना यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दूंगा, वो सारे रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी इस तरीके से, इस किस्म के आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी मोबाइल पे चल रही होगी। यानी आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको पेड टेम्पलेट जो है ना मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ये देखिए, ये ना ये वर्जन है इसका वेब का, और अगर ये मोबाइल पे इसको कोई खोलेगा तो ये इसका वर्जन बन जाएगा मोबाइल का। इसके अंदर फिर मेन्यू ना इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। ये टेम्पलेट है, इसको फिर हम ओवरऑल इसी लिहाज से कन्वर्ट करेंगे। इसमें ये बूटस्ट्रैप लाइब्रेरीज के ऊपर बना हुआ है कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से चला सकते हैं, ये सारा उसी के लिहाज से ना चल रहा होगा। और इसमें सारी चीजें भी वैसे ही हमारे पास है ना वो आ रही है। तो ये तो मैं आप, अब ये एक टेम्पलेट नहीं है, काफी सारे हैं। तो ये टैबलेट ये है, फिर इसके अलावा ये पेड टैबलेट है ज़्यादातर। अब जैसे हॉस्पिटल का ये प्रोजेक्ट है, तो ये भी अगर आप इसको बना देंगे, चाहे किसी भी वेब टेक्नोलॉजी पे आप इसको बना दें, तो फिर आप इसको ना उसके लिहाज से यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास ये किसी भी मोबाइल पे भी चल जाएगा और आपके पास कहीं और भी चल रहा हो। सर एक चीज तो ये है कि मोबाइल पे चलना, मतलब अगर हम किसी वेब एप्लीकेशन को मोबाइल पे ओपन करते हैं तो उसका वो यूआई एक इतना डिसेंट होता है कि इजीली हम यूज करें, लेकिन अगर हम उसे कन्वर्ट करें एंड्रॉइड पे। मोबाइल एप्स देखिए, वो फिर जी हमारा अलग कोर्स है, उसके अंदर हम एंड्रॉइड और फ्लैटर जो है ना वो कवर करवा रहे हैं, वो भी शुरू से बनाना पड़ेगा। कन्वर्ट तो कोई चीज नहीं। अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको एज वेब डिजाइन किया और बाद में हम चाहें उसे कि एंड्रॉयड पे कन्वर्ट कर लें। तो अच्छा, अगर हम एंड्रॉयड को ही मतलब रखते हुए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम उसे डिजाइन करें, तो उसपे यहाँ पे हमारे पास डॉट नेट में उसकी पॉसिबिलिटीज है, इन्वायरमेंट है हमारे पास उसका। नहीं देखें, इसके अंदर हम ASP डॉट नेट के अंदर जस्ट उसकी जो APIs है ना वो बना देंगे। यानी इसके अंदर जैसे कुरियर ऑपरेशन के लिए, स्लैश के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, रेस्टफुल API बन जाएंगी। और फिर उसको जो है ना आप मोबाइल ऐप के तौर पे जो है ना उसको यूज करेंगे एंड्रॉइड के अंदर। तो एंड्रॉइड के अंदर फिर हम वो सारी चीजें जो है वो इंट्रैक्शन को देखेंगे कि वो रेस्टफुल API किस तरीके से ऐड करता है, और उसमें ऐड अपडेट डिलीट या सिलेक्ट का ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से होता है।
लेकिन एंड्रॉइड जो फ्रॉम द बिगिनिंग ही मोबाइल ऐप है जिसको वो है ना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसकी कन्वर्जन नहीं है। अगर ऐसे हम करना चाहते हैं तो बाकी ये जितने भी हमारे टैंपलेट्स होंगे वो रिस्पॉन्सिव टैंपलेट्स होंगे, मोबाइल पे चलेंगे, उसकी यूआई जो है ना चेंज हो जाएगी जब मोबाइल पे खुलेंगे जी। जी और कोई क्वेश्चन? फीस बता दें इसकी क्या ड्यूरेशन, 6 मंथ है, फीस पता कर ये आपको यासिर बता देंगे अलग से। जी यासिर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर होगा आपके पास ना, मैंने आपको मैसेज किया था, तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे आप बात कर लीजिएगा, फिर वो सारी आप बात कर लेंगे, कोर्स आउटलाइन, फीस, जो भी चीज़ें हैं ना मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर जैसे ही हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस भी चल रही हैं तो उसके अंदर भी अगर आपको कोई डेमो क्लास लेनी हो तो आप आज भी क्लास ले सकते हैं, आज भी जो है 10 बजे होगी, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो 1.5 घंटे की इधर क्लास होगी, लेकिन उसका उसका तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, तो उसके अंदर तो मैं किसी को भी इस वक्त इनरोल कर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो नया ही बैच हम बना रहे हैं और उसके अंदर जो है ना फिर हम आपको एनरोल करेंगे, उसके क्लासेस उसको यूज करेंगे डेमोस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लेना है, तो फिर हमारी सैटरडे संडे में क्लास होती है 10 बजे, तो उसको आप यासर से कॉन्टेक्ट कर लें तो वो आपको डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जितना अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 1 महीना तकरीबन उस क्लास को जो है ना वो हो चुका। ठीक है यासर ठीक है, ठीक सर। सर एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा बस आखिरी। जी 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 बोले। हाँ सर मुझे ये मालूम करना था, इसको हम जो क्लाउड्स वगैरह पे इसको इम्प्लीमेंट करना कितना क्रिटिकल है, क्या मतलब ज्यादा एफिशिएंट होना होगा उसके लिए, या हम इजीली ये सारे काम कर सकेंगे? नहीं तो इसमें एज्यूर प्लेटफॉर्म है ना, उसके अंदर एज्यूर वो बेसिकली है ही सारा क्लाउड बेस्ड, तो उसके अंदर सारी चीजों दे रहा होता है, आप खाली उसका एज्यूर प्लेटफॉर्म परचेस कर सर लें। लेकिन एज्यूर जो है वो तो बेसिकली थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, हम अगर अपने प्राइवेट क्लाउड पे जाएं जैसे ये वीपीएस वगैरह होते हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं इसके साथ? तो उसके लिए आप वो कर लेना कि आप अपनी एक वर्चुअल मशीन उनसे ले लें, ठीक जी है, और उसके अंदर सारी चीजें खुद से इंस्टॉल कर लें, सॉफ्टवेयर तो मैं आपको दे ही दूंगा, या फिर आप नेट से उठा लेते हैं तो वो कर लें, ठीक वीएम लेके ना क्लाउड के ऊपर, और उसके अंदर सारी चीजें इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर आप अच्छा तुम्हारी सर, इसकी जो वेब एप्लीकेशन होगी डॉट नेट की, वो क्या हम होस्टिंग पे यूज कर सकेंगे? डेस्कटॉप की, आप यूज कर सकते हैं ना। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। हाँ वेब एप्लीकेशन आईएस सर्वर पर डिप्लाई हो जाएगी ना, आईएस सर्वर पर डिप्लाई होती है, फिर उसके आप डोमेन ले लेंगे, डोमेन को उसके अंदर होस्टिंग में पार्क करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है यासर, तो फिर आप इससे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, फिर चलें, जिसको आप भी कोई सवाल हो बाकी ना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो ठीक है, तो मुझसे बात कर लीजिएगा बाकी कोई भी हो, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।